वेलकम बैक टू गाइस अनदर वीडियो। और आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपने आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की सीरीज। तो आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे क्यों चढ़ के खड़ा हूँ। मैं चढ़ के इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैंने एक एस्ट्रॉयड का पीवर डैम तोड़ दिया है वुड के लिए, और वो मुझ पर एग्रो है। तो मैं सोच रहा हूँ वो डिस एग्रो हो जाए, एग्रो से हट जाए तो मैं नीचे पीस पे जाऊँ। देखता हूँ यार ये तो यहीं घूम रहा है, ये अभी भी मुझ पर एग्रो कुछ तोड़ तो नहीं रहा है। नज़दीक जाके देखता हूँ कुछ तोड़े नहीं किधर है। ओ ये, अरे यार ये तो तोड़ रहा है, पंच करो इसे तो ये हटे यहाँ से। हटो यार इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एक काम करते हैं इससे मर जाए, अगर मैं इससे मर जाऊंगा तो ये एग्रो नहीं होगा मुझसे। मार दे भाई जल्दी खत्म कर। तो मैं फिर से यहाँ पे रिस्पॉन होगा और ये मुझ पर एग्रो नहीं होगा। हो गया ना खुश मार के। चलते हैं बेस की तरफ और लेते हैं अपना सामान वापस। यहाँ पे सार्को है शायद आसपास, मुझे साउंड आ रहा है। ये रहा ना, इसको मारते हैं। इसमें तो ट्रैंक एरो लगे हैं, मेरे पास नॉर्मल एरो हैं नहीं, मेरे पास तो नॉर्मल एरो नहीं, इसी से काम चलाना होगा। आई थिंक 6 एरो में ये अनकॉन्शियस के लेवल में पहुंच जाएगा तो भाग नहीं। अगर ये अनकॉन्शियस हो जाएगा तो ये भागेगा और फिर ईजी हो जाएगा इसको मारना। और दुखा चलने की तो बची ओ इसका एग्रोबट कॉन्शियस बढ़ रही है इसकी। तो अनकॉन्शियस 75 लेवल एफिशिएंसी 100 तो गेम कर लूँ क्या इसे, लेकिन काफ़ी लो लेवल का है। इतना लो लेवल का मैं टीम नहीं करना चाहता। इसको मार ही देते हैं, दूसरा आएगा अच्छे लेवल का तो ही टीम करेंगे। वैसे भी इसका साइकिल तो अभी अनलॉक हुआ नहीं, हाइट भी काम ही आ जाएगा और मुझे शायद लेवल भी मिल जाए इसको मार के। देखते हैं इसकी अच्छी तो बहुत ज़्यादा हाइट दे मुझे जल्दी जल्दी। चलते हैं बेस पे और उठाते हैं वापस। अब तो वो डिस एग्रो हो ही गया होगा मुझ पर, क्योंकि वो इतनी देर से एग्रो था मुझ पर और मेरा बेस तोड़ रहा था। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं अपना बेस 4x4 का, क्योंकि मैंने रिसोर्स तो कलेक्ट कर ली और मेरी बॉडी प्लास्टिक हो गई है। ये तो रबर बैंड किसी ने खींच दिया है। मैप ड्रॉप कर दो और इम्प्लांट बाकी सब कलेक्ट करो और बॉडी फॉर्म कर लो। ओके तो अभी हम देखते हैं लेवल कितने मिल गए हैं। 2 लेवल हैं, कहाँ भी बढ़ाऊँ। मूवमेंट स्पीड लो है, दोनों इसी में डाल देता हूँ। ओके तो अब आज हमारा मेन मिशन है कि हम बनाएंगे अपना बेस 4x4 का, क्योंकि ये थैच का बेस बहुत छोटा पड़ रहा था और वुड का कोई 4x4 नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अपना बेस 4x4 बनाना शुरू करेंगे और जितना भी सामान लगेगा तो पहले ही मैंने क्राफ्ट करके स्मृति में रख लिया है। इसमें से 16 फाउंडेशन है, 16 छत है और 32 वॉल लगेंगे इसमें।
तो अब हम क्या करेंगे, ये स्मृति को हटाएंगे यहाँ से और इसे लगाएंगे और ये बीच में आएगी। आइटम तो बाद में उठा ले जाएंगे, पहले क्राफ्ट कर लेते हैं स्मृति। ओके क्राफ्ट हो जा जल्दी जल्दी। ओके अब इसे लगाएं कहाँ, इधर लगाएं, इधर ही लगा देते हैं। लेकिन आई थिंक ये रिफाइनिंग फोर्स से दूर हो जाएगा, इसे रिफाइनिंग फोर्स के बगल ही में लगाना चाहिए क्योंकि मेटल उधर से इधर लाने में दिक्कत हो जाएगी। स्टूडो को हटाया ही बीच में आ रहा है, फेंको इधर, यहाँ पे लगा देते हैं। रिफाइनिंग फोर्स के बगल में रहेगा और मैं एक और रिफाइनिंग फोर्स लगाऊंगा वैसे भी, क्योंकि मेटल बहुत धीरे धीरे पिघलता है। इधर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा सा बस इधर परफेक्ट। और सारा सामान पिक करके एक ऑल इसमें कर दो ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र ऑल। तो अभी गाइस एक और चीज़ है जो आज हम बनाएंगे, वो है प्रिजर्विंग बीम। और इसे अनलॉक नहीं किया है, पहले तो बेड अनलॉक कर लो क्योंकि स्लीपिंग बैग हट जाते हैं। इसकी स्पाई ग्लास की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसे भी अनलॉक कर लो। और प्रिजर्विंग बीम कहाँ है, और थोड़ा सा नीचे होगा, इधर ही होता था, ये रहा। तो ये प्रिजर्विंग बीम्स गाइस ये काम करता है कि आपकी जितने भी स्पॉइल मतलब जितनी भी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं उन्हें ये प्रिजर्व कर देता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं लेकिन कुछ देर के लिए वो ख़राब नहीं होती। मोटारे में पेस्टर के और कहीं लगाते इसमें क्या है, नार्को बेर या नार्कोटिक, इसको कोने में करते हैं प्लेस। यहाँ पे करो क्राफ्ट और इसी जगह पे कर देंगे हम इसे प्लेस। तो इसे करते हैं इधर प्लेस और अगला काम है हमारा प्रिजर्विंग बीम बनाना। इसमें नार्को बेरी डाल दो और नार्कोटिक, सारी नार्को बेरी जाओ और नार्को टेक भी। तो अभी हम रिफाइनिंग फोर्ज बनाएंगे, रिफाइनिंग फोर्ज नहीं प्रिजर्विंग बीम। इसके लिए क्या क्या लगता है देखते हैं। इसके लिए आई थिंक 30 वुड लगता है, हाँ 30 वुड, 30 10 थैच, थैच भी है मेरे पास, फाइबर लगेगा, फाइबर भी है मेरे पास। बस मुझे क्या कलेक्ट करना है, मुझे कलेक्ट करना है स्टोन। इसके लिए स्टोन बचा है और लार्ज स्टोरेज बॉक्स भी हम सोच रहे हैं बना लें, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें स्मृति में रखना ठीक भी नहीं है। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो स्मृति में नहीं रखनी चाहिए, मतलब रख सकते हैं, इतना स्टोरेज होता है उसके अंदर, लेकिन उससे अच्छा हम मैं बाहर ही रखें। तो थोड़ा सा मैं वो ले लेते हैं स्टोन और उसे करते हैं क्राफ्ट, क्राफ्ट हो। और इस लार्ज स्टोरेज बॉक्स के लिए वुड गन, वुड ले लेते हैं, वुड हो गई, ये भी काट लेते हैं। लेकिन गाइस प्रिजर्विंग बीम का फ्यूल भी मुझे बनाना है और ये बेड भी बनाना है, क्योंकि नाइट हो रही है तो अभी नाइट स्किप करने के लिए बेड चाहिए। तो फ्लिंट और स्टोन से बनता है स्पार्क पाउडर और वही होता है प्रिजर्विंग बीम का फ्यूल, और वो बनेगा मोर्टार एंड पेस्टर में। जल्दी से, और नाइट हो रही है तो एक बेड बना लेंगे नाइट स्लीप करने के लिए। स्लीपिंग बैग अगर आप मरने के बाद उस पर रिस्पॉन होते हैं तो हो जाता है हट। ड्राइविंग को इधर ही प्लेस कर देते हैं अभी, थोड़ा सा आई थिंक परफेक्ट है, यप दिख नहीं रहा है। हट तो मुझे बेड बनाना है, 700 हाइट है, काफ़ी हाइट है मेरे पास, हाइट तो भर भर गया है मेरे पास। रैप्टर से इतने बंदे मारे हैं, अब इस बेड को करते हैं प्लेस और करते हैं। ये बेड
अच्छा भी है क्योंकि इससे ज़्यादा नाइट स्लीप हो जाती है, और क्या कहते हैं अपना स्लीपिंग बैग से 4 घंटे की नाइट स्लीप होती है और इससे 7 घंटे की, तो हो गई ना सुबह। तो अभी हम प्रिजर्विंग में फ्यूल डालेंगे। आई थिंक ये थोड़ा सा रॉन्ग प्लेस पर लगा है, इसको शिफ्ट करेंगे पहले। अब इसमें बनाना है स्पार पाउडर, इसमें डालो फ्लिंट एंड स्टोन। और स्पार पाउडर अनलॉक है मेरा, नहीं अनलॉक है ये, अगर अनलॉक। अब इसमें करेंगे हम इसे क्राफ्ट 19। ये 1 से 2 क्राफ्ट होता है, यानी 19 का दुगना हो जाएगा 38। तो वॉइल मेडी इसमें डाल दो, क्योंकि नार्को बेर तो पड़ी नहीं है। जल्दी से क्राफ्ट होगा 32, 34, 36, 38। ये हो गया 38। और ये थोड़ा सा आगे लगा है, इसको करते हैं डिस्ट्रॉय। ये गलत पोजिशन पे, फिर से इसे क्राफ्ट करके थोड़ा पीछे लगाएंगे। क्राफ्ट होके थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा और भी जगह देख रही मुझे। आई थिंक ये परफेक्ट सही लगा देते। अब इसमें डालेंगे फ्यूल, जो कि है स्पार पाउडर इसका फ्यूल। और इसमें डालेंगे वो चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि इसमें रियल फ्लावर डाल सकते हैं, दो एग भी डाल सकते हैं, बेरी भी डाल सकते हैं, लेकिन बेरी की रखने की ज़रूरत नहीं, स्पॉइल्ड मिल्क तो मुझे ही दे दो। और ये 100 और बचा, ये भी इसमें जाएगा। बेसिकली इसमें तो फ्यूल आप फूड रख सकते हैं अपना, और डायनोज एग और बेरी वगैरह। इसमें जितना स्पॉइल्ड मिल्क मिला है, 2 मिला है ना, 2 डाल देते हैं और इसको कर देते हैं क्राफ्ट। और कुछ बनाना है मुझे, इसमें मेटल है, मेटल तो है। अगले टाइम पे मैं मेटल थोड़ा सा कम कर लूँगा। तो अभी हम क्या करना है, हमें बनाना है स्पाई ग्लास। और स्पाई ग्लास के लिए क्या चाहिए, ये अनलॉक है, इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए लगता है 5 वुड, 10 हाइट और क्रिस्टल। तो क्रिस्टल कहाँ मिलेगा, क्रिस्टल मिलेगा मुझे केव में, ये वाली केव। तो ये केव जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो कि है, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 499 मीटर दूर है। अभी से अमेंडन करो, तो मुझे क्या पहले कर लेना चाहिए, मुझे एक एक्सप्लोरर नोट ढूंढ लेना चाहिए, तब हम जाएंगे तो हमें थोड़ा सा लेवल ज़्यादा मिल जाएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपना रैप्टर लेके एक एक्सप्लोरर नोट ढूंढता हूँ। मुझे 1-2 की लोकेशन पता है, लूँगा मैं 1 ही, क्योंकि दूसरे को लेने इतना फ़ायदा नहीं है। जब कोई मिशन कम्प्लीट करेंगे तब उसको लेंगे। तो ये कौन किस चीज़ का एक्सप्लोरर नोट है वो देख लेते हैं। सेबर टू सेलम के, क्योंकि वहाँ से हम लाएंगे क्रिस्टल और उससे बनाएंगे स्पाई ग्लास। और रैप्टर को हम छोड़ेंगे यहीं बाहर और चलेंगे अंदर क्रिस्टल लेने। तो अभी होगा केव लैग हल्का सा, वैसे केव तो मैंने फाइंड कर ली है, उसी का सिंबल आ गया है, मुझे लेवल भी मिल गए हैं। यहाँ पे हुआ केव लैग और अब ठीक है, अभी थोड़ा केव लैग हो रहा है, केव में गाइस बहुत ज़्यादा लैग होता है। तो ये रहे क्रिस्टल, इन्हीं की मुझे ज़रूरत है। ये केव हम बाद में कंप्लीट करेंगे, अभी सबसे पहले तो मैं जो लेने आया हूँ वहीं ले लो क्रिस्टल। और स्पाई ग्लास को करो
क्राफ्ट और इसे करो इन्वेंटरी में कोई। अब चलते हैं बाहर। तो गाइस हम देखते हैं कि इन डिलोपसॉरस का लेवल क्या है। तो ये स्पाई ग्लास आपको दूर से ही डायनोस के लेवल दिखा और स्टैट दिखा देगा लगभग कि उसकी कितनी हेल्थ है और वो कितने लेवल का है। तो अभी की क्या करते हैं, पहले हम चलते हैं बेस पे, फिर देखा जाएगा क्या करना है। ये डिलोपसॉरस एक बार पीछे पड़ गए तो ये मारते ही मारना ही शुरू कर देते हैं। जल्दी यहाँ पे साउंड लैग हटे, साउंड लैग मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ से चलते हैं जल्दी जल्दी बेस के बाहर और देखते हैं अब हम अगला क्या करेंगे। अगला गाइस हम ये करेंगे कि एक मेल रैप्टर टीम कर के लाएंगे, वो भी अच्छे लेवल का, क्योंकि स्पाई ग्लास तो हमने अनलॉक कर ही लिया है और हम दूर से ही देख पाएंगे कि कौन सा रैप्टर का अच्छा लेवल है मेल का। फिर हम कराएंगे इनका बीक और फिर कर पाएंगे हम ये। तो अगले एपिसोड में हम यही करेंगे कि एक रैप्टर टेम करेंगे। तो आई थिंक ये लेवल भी मिले हैं, तो इसको फूड और वाटर बढ़ा लेते हैं क्योंकि फूड और वाटर मेरा बहुत जल्दी कम हो गया है। तो गाइस आई थिंक आज के लिए एपिसोड के लिए इतना ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि मैं ऐसे ही आर के और वीडियो डालूं। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।